हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। हमारे द्वारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। ये पार्ट फाइव है, इससे पहले हमने चार पार्ट करा दिए। आते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आप मैथ डाउट्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 115, 149, 183 को विभाजित करने पर 3, 5, 7 बचेगा। तो देखो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी बड़े तो जो बचेगा ना उसी को माइनस कर देते हैं। 115 माइनस 3 इधर 149 में से कितना बच रहा है, 5 कर देंगे, और इधर 183 में से 7 बच रहा है। तो ये हो जाएगी संख्या 112, क्योंकि 112 में तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा 144 और ये 176। इसका हम ले लेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ आएगा हमारे पास इसका 16। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 16, जिसमें इस संख्या को भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, इस पर डिवाइड करेंगे 5 शेष बचेगा, इससे लेंगे तो 7 शेष बचेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो और संख्या 9 की गुणज भी हो। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 840, 840 एलसीएम आएगा। तो 840 इसमें ऑप्शन में है नहीं कहीं भी, तो 840 इंटू 2 करता हूँ तो 1680 होता है। 1680 हमेशा कितना बचना चाहिए, 3 शेष प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 1683 ऑप्शन में पड़ा है, ये रहा ए ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा 1683। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9, 8 और 7 शेष होता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सोल्व। देखो 10, 9 और 8 इसमें से क्या कर रहे हैं, जब डिवाइड करते हैं तो इसमें 9 बचता है शेषफल, इसमें कितना 8 माइनस करते हैं और जो शेषफल है उसको मैं माइनस कर देता हूँ 7। तो प्रत्येक दिशा में इच में 1 शेषफल बचता है, मतलब रिमाइंडर 1 बचता है। तो इस शेषफल को क्या करेंगे, इन सब का हम ले लेंगे पहले एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे 10, 9 और 8 का, तो 360 आएगा, 360 हो जाएगी वो संख्या। लेकिन क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमेशा 1 बच रहा है, तो वो 1 मैं माइनस कर दूंगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 359। मतलब क्या होगा, इसमें से 9 माइनस कर दूंगा, रिमाइंडर 9 माइनस हो जाएगा, इसमें से 8 हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। तो 360 वो संख्या है जिसमें से मैं 1 माइनस करने पर हमारे पास रिमाइंडर 9 बचेगा, एक बार 8 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 8, 12 और 18 से विभाजित करने में 6, 10 और 16 शेष होते हैं। तो 8 माइनस में जैसे 6 करता हूँ तो रिमाइंडर 2 बचता है, 10 12 माइनस 10 करता हूँ तो रिमाइंडर 2 बचता है, और 18 माइनस 16 करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम लेगा तो आंसर आएगा 72। 72 से माइनस कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2। 2 बराबर बच रहा है, 2 को हमेशा माइनस कर दो तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 72। क्या होगा कि हम जब कोई डिजिट है उसमें से 8 का भाग, 72 वह संख्या है, हाँ 70 हो जाएगा, 70 वो संख्या है जिसमें 8 का भाग देंगे, 8 8 64 बचेंगे कितने, 6। 12 का भाग देंगे तो 12 जैसे 60 बचेंगे कितने, 10 से रिमाइंडर बचेंगे, 18 18 3 54 बचेंगे कितने, 16। तो 70 वह संख्या है जिसमें इनका डिवाइड करने पर 6, 10 और 16 रिमाइंडर बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3050 और 5200 को विभाजित करने में शेषफल 7 और 9 बचता है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 3050 माइनस 7 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3043, और फिर है ये संख्या 5200 में से 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 5191। इन दोनों का एचसीएफ ले लो तो हमारे पास एचसीएफ आएगा 179। ठीक है, एचसीएफ इसका कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका एचसीएफ फाइंड करने का तरीका, देखो बड़ी संख्या है तो क्या करो, 3049
डिवाइड कर लो इसमें 5191, तो आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये जहाँ पे जाके रुक जाएगी पूरी डिविजिबल होगी वो उसका एलसीएफ हो जाएगा। जैसे करते हैं फर्स्ट टाइम ये आएगा 3 1 3 0, वन टाइम जाएगा 4 9, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2 1 4 8, फिर ये वाली अंदर आ जाएगी 3 0 4 9, इसको डिविजिबल करेंगे तो 2 1 4 8 बचेगा हमारे पास 4 3 है ना, ये 4 3 है ना, हाँ तो ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 8 9 5, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 1 8 5, 4 8 आ जाएगा अंदर, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो ये हमारे पास हो जाएगा 1790, बचा हमारे पास कितना 358। ठीक है, एट नाइन फाइव, ये चला जाएगा 2 बार तो 716 हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना 179, फिर 358 ये आ जाएगा अंदर ये वाली चीज़, तो ये 2 टाइम्स में पूरी बार चला जाएगा 358 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में इधर पूरी चला गया मतलब एलसीएफ हो जाएगा 179। ठीक है, थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो समझाने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार समझ लो, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है, इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, इसको अलग के क्वेश्चन में ये जो 43 शेष बच रहा है ना उसमें इसी का डिवाइड कर दो, तो 19 दूनी 38, 19 2 जा 38, बचे कितने 5, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके जितने भी डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वो करवाने का प्रयास किया है। तो देखो दो अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है। तो देखो सबसे पहले चेक करो गुणनफल 8 वाले कौन से हैं, 4 दुनिया 8, 3 दुनिया 6, तो ये ऑप्शन तो हट गया, 8 एक 8, 4 दुनिया 8, मतलब ये 3 में से 1 होगा। ऑप्शन पको 18 जोड़ो, तो 42 में 18 जोड़ता हूँ, 8 2 10 और ये 6 60, ये उसका रिवर्स नहीं हो रहा, छोड़ो 32, 32 में 18 जोड़ो, 8 2 10, 3 2 5 नहीं हो रहा, फिर 24 में 18 जोड़ो, 24 में 18 जोड़े 8 4 12 1 4, तो मतलब ये 24 2 4 था, 4 2 हो गया, मतलब ये इसका रिवर्स हो रहा, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अंकों वाली एक संख्या है, अंकों के संख्या के अंकों का योग, 2 डिजिट नंबर 10, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 10 व्हेन ए नंबर 1 डिजिट इज इंटरचेंज द नंबर इज रिड्यूस टू 36, चेंज नंबर नो, तो नंबर फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जब इसको हम उल्टा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 36 कम हो जाता है, तो ऑप्शन उठाओ, जैसे मैं जैसे राइट ऑप्शन उठाता हूँ, सबसे पहले आंसर है 73, 73 में से मैं क्या कर दूँ इसका उल्टा, 37 माइनस करता हूँ तो 13 में ये 6 और ये 4 4, 36, तो ये ऑप्शन 37 राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 73 चेंज कर रहे हैं तो ये कम हो रहा, तो 37 तो हो नहीं सकता, 28 हो नहीं सकता, 28 का उल्टा 82 मतलब बड़ा होगा, कम तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ये बचा 82, 82 है मैं 28 घटा तो 12 में से 8 गया, 4 4 आ रहा ऑप्शन, मतलब यूनिटी 4 आ, तो ये तो होना ही नहीं, 6 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों के स्थान आपस में बदलने के प्राप्त संख्या का योग 132 हो जाता है, अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या याद करो, तो देखो ऑप्शन उठाते हैं, 37 प्लस इसका उल्टा करेंगे 73, तो देखो 7 और 3 10, 0 आ रहा है यूनिट, मतलब 2 आना चाहिए, 132 2 आना चाहिए, यूनिट नहीं होगा, तो 84 है, 48 करते हैं, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, मतलब 132 आ रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दूसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12, यदि अंकों को स्थान आपस में परिवर्तन कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या क्या, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन उठाओ, सबसे पहले 39 है, 18 जोड़ दो, तो उल्टा हो रहा है क्या, 8 8 16 और 1 17, मतलब 3 आना चाहिए था नहीं हो रहा, तो हटा दो, 48 है, इसमें कितना जोड़ दो, 18 जोड़ दो, 8 8 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ रही है, नहीं 4 आना चाहिए था, नहीं होगा, फिर 75 18 जोड़ दो,
आठ पाँच 13, 3 आ रहा है यूनिट, 7 आना चाहिए, नहीं फिर 57 लो, 18 जोड़ो, 8 7 15, 1 5 2 7, ये आ रहा, तो मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन आया है, देखो इसमें देखो ये क्वेश्चन बार बार आया है इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास किया है, हर शिफ्ट में आया है ग्रुप डी के। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा है दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो संख्या अपने स्थान बदल जाती है, जैसे 45 है, 45 में अगर मैं 27 जोड़ूंगा तो 54 हो जाना चाहिए, तो 7 5 12 मतलब यूनिट डिजिट 2 आ गया, नहीं होगा। 36 है, 36 में मैं 27 जोड़ता हूँ, 6 6 12 13 यूनिट डिजिट 13 हो सकता है, 3 4 5 6 मतलब ये 36 था, 63 हो गया, मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या ये दे रखी है, इसके स्थानीय मान और अंकीय मान, अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, इस देखो स्थानीय प्लेस वैल्यू देखो, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड मतलब ये 5000 पे, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5000, और प्लेस वैल्यू पूछे थे अंकीय मान मतलब अंकीय मतलब अंक कितना है, 5 है, तो 5 अंकीय मान हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा तो हमारे पास हो जाएगा 4995। ये क्वेश्चन ने कहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही नंबर सिस्टम से रिपीट हुआ है इसलिए ये भी इसके डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसने क्या बोला, 8 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू यूनिट टेंस मतलब इकाई दहाई पर है, दहाई मतलब 80, इसका आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो संख्या दे रखी है इसका स्थानीय मान और अंकीय मान के बीच का योग, तो देखो 6 का अंकीय मान कितना हो गया, 6 और 3 जीरो हो गए, प्लस स्थानीय मान कितना, 6 ही होगा, अंकीय मान तो 6 ही है, तो 6006 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हल कीजिए दीदी दी, तो ये क्या है, 1/1 + 1/2 / 1/4 कम होता जा रहा है, ठीक है डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो सम फाइंड करना होता है, तो सम होता है a अपॉन 1 - r, a जो फर्स्ट टर्म r इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो। तो देखो a हमारे पास क्या है 1 है अपॉन 1 - कितना का गैप चल रहा है, हाफ का, तो s इन्फिनिटी तक चल रहा है तो क्या होगा 1/1 - 1/2, एक में से आधा चला गया, बचा कितना आधा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 × 1 = 2, तो इसका s इन्फिनिटी जो सम होगा इसका ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क है, एडल्ट है, और वयस्क दोनों बच्चे हैं 95 अधिक है, वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, देखो इसको एक बार समझ लो, इन द स्कूल पिकनिक ग्रुप 2/9 पोर्शन वर द अडल्ट, भाई 2/9 अगर अडल्ट है तो देखो टोटल ये 9 जो नीचे वाला डिनोमिनेटर 9 ये टोटल क्वेश्चन डिनोट करता है, 9 में से 2 तो अडल्ट है तो बचे कितने 7, 9 में से 7 बच्चे, ये क्या होंगे बच्चे होंगे, ठीक है ये क्या कह रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 95, तो 5x इज इक्वल्स टू 95, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, 5 × 5 = 5, 9 = 45, हमें कितना पूछा है देन द बच्चों, वहाँ बच्चों की संख्या कितनी, बच्चे कितने 7, तो × 7 करेंगे तो 19 × 7 × 19 = 133, इसका आंसर बच्चे टोटल कितने हो जाएंगे 133। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो बोल रहा है इसको सोल्व करो, देखो 52 - ये जो बार के अंदर कोई भी चीज़ होती है ना माइनस में हो, कभी भी माइनस में नहीं होता, जैसे बार ओपन करते हैं तो प्लस माइनस प्लस हमेशा प्लस में ही आती है, जैसे 8 - 20 करेंगे तो माइनस के 12 होंगे, जैसे ये साइन हटेगा तो ये माइनस का साइन भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 12, तो 12 माइनस का साइन है, 52 - 12 चले गए, बचे कितने हमारे पास 40, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्जन सेब का बार 1.8 kg, देखो एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो एक सेब का बार कितना हो जाएगा 1.8/12 हो जाएगा, ठीक है, जिनका सामूहिक बार, यहाँ 3 बक्से हैं जिनका सामूहिक बार 23.25 kg है, में कितने सेब होंगे, तो 23.25 है, और इच सेब का बार कितना 18/12 है, 8.2 × 12 नीचे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा,
तो इससे हमारे पास एप्पल्स आ जाएगी, हाउ मेनी एप्पल्स आ जाएगी, मतलब टोटल बार में से मैंने एक सेम का भाग भाग दे दिया तो हमारे पता पता चल जाएगी उसमें कितनी सेम है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 155। ठीक है, इसको काट दो, 6 3 18, 6 6 2 12, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, नीचे 10 पड़ा ही है, 2 5 जा, और ये 3 15 की टेबल से इसको काट दोगे तो 155 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दो संख्याओं का अंतर 5 है, मैं संख्या वो मान लेता हूँ एक्स माइनस वाई, 5 दे रखा है, उनका मल्टीपल एक्स इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है, 3 3 6 दे रखा है। तो क्या होता है, उनका सम फाइंड करना है, सम फाइंड करना एक्स प्लस वाई का मैं होल स्क्वायर करता हूँ बराबर क्या हो जाता है, एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर अगर मैं प्लस कर दूँ 4xy, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक्स माइनस वाई कितना है, 5, 5 का स्क्वायर करूँगा 25 आ जाएगा, प्लस 4xy की वैल्यू कितनी, 336, इनको मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 1344 हो जाएगा, प्लस 25 करूँगा तो 1369 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट, रूट आएगा तो एक्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1369 किसका रूट होता है, 37 का, 37 का स्क्वायर 1369 होता है, तो एक्स प्लस वाई सम पूछा था, सम की वैल्यू आ जाएगी 37। अब इससे हमारे दो क्वेश्चन और पूछा, एक्स और वाई की भी वैल्यू भी पूछ सकता है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक्स माइनस वाई तो इसने दे दिया 5, और एक्स प्लस वाई हमारे पास आ गया 37। ठीक है, 2x बराबर कितने हो जाएंगे, ये 42 हो जाएंगे, और x बराबर कितने हो जाएंगे, 2 1 21 21 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी सोल्व करते हैं, और इससे y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, x 21 है तो 21 माइनस ये 5 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 21 माइनस 5 16, y की 16 हो जाएगी, इसकी 21 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसका अनुक्रमानुपाती, 3/10 प्लस 8/15, एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, 10 3 30 इधर हो जाएगा, 3 × 3 9, और 15 2 30, 8 2 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/30। लेकिन इसने पूछा क्या, अनुक्रम 5 5 25, 5 5 30, अनुक्रमानुपाती मतलब उल्टा कर दो, तो 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है, बस ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये बता दो, इसको देख के बच्चे घबराए नहीं, थोड़ा सा बड़ा लेंथी टाइप दिखता। सीमा ने अपने पिता से 50 रुपये मिले, तो 50 रुपये उसको मिल गए, फिर क्या कर दिया, 30 रुपये की उसने टोपी खरीदी, मतलब खर्च कर दिया 30 रुपये, माइनस कर दूँ, फिर उसकी माँ ने उसे 30 रुपये दे दिए, वापस उसकी माँ ने 15 रुपये की टोपी खरीदी, 15 रुपये ना, फिर 30 रुपये दे दिए उसकी माँ ने, फिर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए, तो 42 माने, अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो इसको देखिए जैसे 50 और 30, 80 80 में से ये चले जाएंगे हमारे पास 57, तो बचेगा हमारे पास 23, तो अब उसके पास कितने रुपए बच गए, 23। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए करवा दिया, ये लास्ट वीडियो है हमारा नंबर सिस्टम का इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का वजन 11.235 kg है, उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, दोनों का कुल वजन ज्ञात करिए। तो देखो बहन का वजन कितना हो जाएगा, इसका जो भी वजन है 11.235 इंटू 1.4 टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 15.729। अब फाइंड द टोटल वेट ऑफ बोथ, इन दोनों का पूछना है, इसकी बहन का यह आ गया और गीता का कितना है 11.235, एड कर दो 9 5 14 1 3 3 6 7 2 9 5 6 और 2, 26.964। ये लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना हमें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।